दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद फिर बदले मांझी के सुर, बोले तानाशाही ना करे राजद। जी हम बात करें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजद नेता तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। बुधवार को मांझी ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष किसी की भी सुनते नहीं है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए और ये ज्यादा नहीं चल पाएगा। आपको बता दें मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक पर मांझी ने कहा कि वो सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी कि राजद की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा है और माना जा रहा है कि उनकी गठबंधन में पट नहीं रही है और वो महागठबंधन में समन्वय समिति नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने राजद को इसके लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। और अब बता दें कि यस बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब निकाल सकेंगे 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम। जी आपको बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे यस बैंक के खाता धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बुधवार शाम 6 बजे के बाद से यस बैंक की सेवाएं पूरी तरह से दोबारा शुरू हो गई हैं। मतलब अब आप अपने खाते से 50,000 से ज्यादा की रकम निकाल सकेंगे। और बता दें कि बैंक के सीईओ डेजिग्नेट प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा था कि पिछले 3 दिन में यस बैंक में निकासी के मुकाबले डिपॉजिट ज्यादा आए हैं और प्रशांत किशोर के मुताबिक सिर्फ 1/3 ग्राहकों ने ही अपने खातों से 50,000 से ज्यादा रुपए की निकासी की है। और बता दें कि यस बैंक संकट को लेकर वित्त मंत्रालय पहले ही बता चुका है कि 3 अप्रैल 2020 को हटने वाले मोरेटोरियम 18 मार्च 2020 की शाम 6 बजे से ही हटा लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब यस बैंक के खाता धारक अपने अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल सकेंगे। और अब अगली खबर बता दें कि कभी जेपी के शीर्ष लालू ने इंदिरा को उखाड़ा था, आज तेजस्वी हैं राहुल के मोहताज। जी हम बात करें कि राजनीति भी अजीब शय है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक दूसरे के करीब हैं और मिलजुल कर राजनीति करते हैं, लेकिन 46 साल पहले हालात बिल्कुल जुदा थे। आपको बता दें कि 18 मार्च को ही तेजस्वी के पिता लालू यादव ने राहुल की दादी इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का पटना में शंखनाद किया था और इंदिरा विरोध के नाम पर ही लालू नेता बने थे। और अब तेजस्वी नेता बनने के लिए राहुल गांधी के समर्थन पर आश्रित हैं और वक्त के साथ रंग बदलने की फितरत का नाम ही शायद राजनीति है। आपको बता दें 18 मार्च 1974 को पटना में हजारों छात्र तत्कालीन अब्दुल गफूर सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे थे और बिहार विधानसभा के घेराव के लिए छात्र आगे बढ़ रहे थे और इस आंदोलन में तब लालू यादव, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह, राम जतन सिन्हा जैसे नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और आंदोलनकारी छात्रों ने जब राज्यपाल की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई छात्र घायल हो गए और भगदड़ मच गई और कुछ देर में भीड़ बेकाबू हो गई और अराजक तत्व भी भीड़ में शामिल हो गए। देखते देखते पटना में हिंसा और आगजनी शुरू हो गई। तब जयप्रकाश नारायण ने ही छात्रों को अहिंसक आंदोलन के लिए प्रेरित किया और छात्रों के सहयोग जेपी ने जिस आंदोलन की नींव रखी उसने 4 साल बाद ही इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता उखाड़ फेंका और लालू यादव इसी जेपी आंदोलन के उपज हैं। पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि उमर अब्दुल्ला को जल्द रिहा करें वरना हम याचिका पर सुनवाई करेंगे। जी हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जन सुरक्षा कानून यानी PSA के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। और बता दें कि उच्चतम न्यायालय में उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट ने याचिका दायर कर PSA को चुनौती दी है और इस मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर जवाब मांगा है और न्यायालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ये निर्देश दे कि क्या वह पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को रिहा करने की योजना बना रहा है या हम उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए अब इस मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है।
पर अब अगली खबर बता दें कि बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से मिलने पहुंचे दिग्विजय हिरासत के लिए गए और भूख हड़ताल का किया ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सियासी घमाचान मचा हुआ है। आज सुबह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इससे पहले दिग्विजय सिंह बेंगलुरु के रमाडा होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। और वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय विधायकों से मिलने के लिए नहीं बल्कि केवल राजनीतिक ड्रामा करने के लिए हैं। दरअसल आज सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बाकी नेताओं कांतिलाल भूरिया, वित्त मंत्री तरुण भनोट, मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, हर्ष यादव, सचिन यादव और कुणाल चौधरी के साथ बेंगलुरु पहुंचे थे। और लेकिन पुलिस ने इन नेताओं को कांग्रेस विधायकों से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बेंगलुरु में अमृता हल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। उनका कहना है कि वह अब भूख हड़ताल पर हैं। और अब बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बारे में कि गुजरात में शरद पवार के विधायक ने किया बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। जी हम बात करें कि गुजरात में राज्यसभा के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले गुजरात विधानसभा में एनसीपी के एकमात्र विधायक ने मंगलवार को राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। और बीजेपी गुजरात से राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि एनसीपी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और पोरबंदर जिले के कुटियाना से एनसीपी विधायक कंधाल जडेजा ने कहा कि मैंने गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के साथ एक बैठक की, जिसके बाद मैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने क्षेत्र में गुजरात सरकार की मदद से लंबित कार्य पूरा कर पाऊंगा। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं अब माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि केरला के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि शिवसेना एमपी सावंत बोले कि कांग्रेस के लोग कश्मीर में तिरंगा फहराएं, हम भी साथ चलेंगे। जी हम बात करें कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बुधवार को लोकसभा में कहा है कि कांग्रेस के लोग कश्मीर चलकर तिरंगा फहराएं, शिवसेना के नेता भी उनके साथ होंगे। आपको बता दें लोकसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा में भाग लेते हुए सावंत ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अच्छी चीजों का समर्थन और खराब चीजों की आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से सबसे ज्यादा खुशी शिवसेना को हुई थी और ये बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि थी। इस कदम के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया था। और अब बता दें कि शिवराज सिंह ने बताया है कि दिग्विजय सिंह को देश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवराज ने दिग्विजय पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते हैं, वो उनकी हरकतों से भली भांति वाकिफ है। आपको बता दें शिवराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं, उनको नौटंकी करने में महारत हासिल है। शिवराज ने कांग्रेस नेता पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अब कांग्रेस विधायकों की याद आ रही है, जबकि बागी विधायक उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। और शिवराज ने बागी विधायकों द्वारा जारी किए गए वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कोई बागी विधायक दिग्विजय से मिलना नहीं चाहता है और कांग्रेस की सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान है। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यह दोस्तों बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय शिवकुमार की हिरासत दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है भाजपा। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश की सियासी संकट लगातार गंभीर होती जा रही है। बुधवार को बागी कांग्रेस विधायकों से मिलने बेंगलुरु गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और डीके शिवकुमार को बेंगलुरु में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटनाक्रम के बहाने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। और भाजपा पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने लिखा कि बेंगलुरु में भाजपा द्वारा बंधक बनाए गए कांग्रेस विधायकों से मिलने गए और कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह व कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों को मिलने से रोकना, उनसे अभद्र व्यवहार करना, उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लेना पूरी तरह से तानाशाही व हिटलरशाही है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। कमलनाथ ने सवाल किया कि आखिर विधायकों से मिलने क्यों नहीं दिया
किया जा रहा है। भाजपा किस बात से डर रही है? उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में एक गंदा खेल खेल रही है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों व अधिकारों का दमन किया जा रहा है। कमलनाथ ने अपील की है कि हमारे नेताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। और अब बता दें कि महाराष्ट्र से निर्विरोध चुने गए शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, रामदास अठावले सहित 7 प्रत्याशी। जी हम बात करेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कांग्रेस महासचिव राजीव सातव, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी की मंत्री फौजिया खान और भाजपा नेता भागवत कराड़ और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भाजपा नेता उदय नराजे भोसले राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आपको बता दें पवार और अठावले वर्तमान में भी राज्यसभा सदस्य हैं और महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें 2 अप्रैल से खाली हैं। औरंगाबाद के पूर्व महापौर कराड ने भाजपा के नए सदस्य हैं और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी आसानी से एक एक सीट जीत सकते हैं, क्योंकि एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। और अब बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी लेने जा रही है बड़ा फैसला, मनोज तिवारी को लगेगा झटका। जी आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी को लेकर अपनी नजरें घुमाई हैं। दरअसल दिल्ली भाजपा में शीर्ष स्तर पर जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से मिली करारी हार के बाद से पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जल्द ही सारी इसको लेकर पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इन दिनों कई राज्य में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में अब दिल्ली में बड़े बदलाव की तैयारी है। आपको बता दें कि झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब अगला नंबर दिल्ली का आने वाला है और माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और अब बता दें कि सोने में आज आया उछाल, चांदी के भाव में हुई गिरावट। जी हम बात कर रहे हैं कि आज रुपए में कमजोरी और जोरदार मांग की वजह से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बीच सोने की कीमतों में यानी 18 मार्च को उछाल दर्ज किया गया है और वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में बुधवार को 311 रुपए का उछाल दर्ज किया गया और इसकी कीमत 40,241 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।